गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका सोदाई फैमिली व्लॉग में। मैं ममता सोदाई स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। लीजिए सुबह के नाश्ते के साथ शुरुआत कर रही हूँ व्लॉग की। 8 बजने वाले हैं, आ जाइए नाश्ता कर लीजिए आप भी। नाश्ते में पराठे, आलू बैंगन सब्जी चाय के साथ। लीजिए दोस्तों, इनका भी नाश्ता आ चुका है, मैं अपना नाश्ता कर चुकी हूँ, अभी ये नाश्ता करेंगे। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? चलिए अभी ये नाश्ता करेंगे। गोल्डी चाय लेके आ रहा है। मैंने आलू बैंगन की सब्जी खाई थी, इनको आलू बैंगन की सब्जी पसंद नहीं है, तो ये खा रहे हैं अंडा करी और पराठे। आप भी आ जाइए। लो आप भी खा लीजिए। चलिए खाओ आप, मिलेंगे दोपहर में। चलिए दोस्तों, नाश्ता होने के बाद मैं नहा के घर गई थी। अभी नहाने के लिए नाश्ता ले लिया था, नाश्ता कर लिया था, फिर नाश्ते के बाद मैं चली गई थी घर 10 बजे। अब घर से आई हूँ, नहा के आ गई हूँ। बारिश भी शुरू हो गई है देखिए, और बारिश में आज बन रहे हैं पकोड़े, लक्से पकोड़े लेके आ रहा है आज मैं खाने। बारिश में पकोड़े अच्छे लगते हैं, खाना भी बन चुका है, वैसे पकोड़े खाएंगे। और आज मेरे हस्बैंड और मेरे भतीजे, जो छोटे छोटा बेबी आया था, आज उसकी बेली लेके जाएंगे। बच्चा होता है तो उसके नानी के घर बेली लेके जाते हैं। और ये देखो, ये दोनों छोटे बेबी की दोनों बहनें, ये भी जा रही हैं, वो दिखाती है, दोनों तैयार हो रही हैं। और ये भी आ रहे हैं, ये भी जाएंगे। ये रिया भी जा रही है अपनी नानी के घर। नानी के घर जा रही है रिया। सिया तैयार हो गई, हो गई तैयार, हो जाओ जल्दी। बंटी पूछ रहा था, अभी मत करिए तैयार हो जाओ। हाँ चलो रिया, चल खाएगी, खाऊंगी। ये देखिए, मैंने अपने लिए केले लाए थे, रिया भी केले खा रही है, मुझे भी खिलाएगी। नानी के घर क्या क्या खाएगी जाके? और खाना खाएगी, सबसे भी पिएगी। ठीक है, मेरे लिए लेके आएगी, मुझे क्या खिलाएगी? ठीक है, अब केला खा लो। अच्छा देखिए, पूरा दिन पूरी रात हो गया बारिश पड़ते हुए, और अब भी बारिश हो रही है। बारिश में हम खाएंगे पकोड़े, लक्से की मम्मी बना रही है पकोड़े, और लक्से लेके आया पकोड़े, चलिए दिखाएंगे आपको। देखिए बारिश, और बारिश में हमारी मम्मी ने बनाए हैं पकोड़े। अब देखिए आप पकोड़े, ये आ गए पकोड़े, ये हर्षित लेके आया है, और देखिए आलू की पकौड़ियाँ, लक्से भी लेके आया। ये देखिए गर्मा गर्म पकोड़े खा लीजिए दोनों। पकोड़े देखिए अलग अलग लेके आए हैं दोनों। तूने खाए थे कैसे? जल्दी से बता दो कैसे हैं पकोड़े। मस्त है दोस्तों, आप भी आके खा लो। वेरी गुड, तूने नहीं खाए? चलो गोल्डी पकोड़े कैसे लगे? लक्की बताओ पकोड़े कैसे लगे? हर्षित पकोड़े कैसे लगे हैं? बहुत अच्छे हैं। हाँ, दोस्तों को भी बुला के खिलाएंगे ना। चलिए पकोड़े खा रहे हैं। हाँ, अब पकोड़े खा रहे हैं, लक्ष्य पकोड़े लाए, आप भी खा लीजिए। लक्ष्य आपको पकोड़े खिलाने के लिए बोल रहा है, यहाँ रख के दोस्तों को खिलाओ। एक पकोड़ा उठा के दोस्तों को, ये देखिए लक्ष्य आपको पकोड़े खिला रहा है, ये लीजिए पकोड़े खा लीजिए। ठीक है लक्ष्य, अब चलो आप खाओ, चलो आ जाओ लक्की, सब खाओ बैठ के आराम। बढ़िया,
टेस्टी है। मम्मी कैसा खाना बनाती है बताओ जल्दी से। बहुत ही अच्छा। चलिए हम पकोड़े खा चुके हैं, अब ये देखिए जा रहे हैं, ये अपने लिए दो पैंटे लेके आए हैं मार्केट से और सब तैयार हो गए। ये मार्केट गए हुए थे, दिखाओ ये देखिए दो पैंटे लाए हैं ये। मैंने कहा था हल्की पैंट ही लेके आना, स्ट्रेचेबल है ही एकदम। जीन्स की पैंटें बहुत भारी होती हैं, बुनने में बड़ी दिक्कत आती है, और ये एकदम स्ट्रेचेबल है और धोने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी मुझे। चलो तह लगा दो, उनकी तह लगा दो ऐसे ही। देखिए सिया रिया कार्तिक सब तैयार हो गए, बंटी भी तैयार हो जाओ तुम भी। चलिए जाएंगे थोड़ी देर बाद, मिलेंगे थोड़ी देर बाद। दोस्तों गणेश चतुर्थी की आपको हार्दिक शुभकामनाएं, हैप्पी गणेश चतुर्थी। मेरी बहन ने, बड़ी वाली बहन ने, आपने तो देखा होगा उनका घर ब्लॉग में दिखाया है मैंने, मेरी बड़ी बहन का घर। उन्होंने गणेश जी की स्थापना की है अपने घर, पर मैं तो जा नहीं पाई थी, और शाम को आरती होगी तो यूज़ जाके गणेश आरती उन्होंने कैसे स्थापित किए हैं और जो आरती होगी उसकी वीडियो शूट करेगा, देखिएगा। अच्छी डेकोरेशन की है, बच्चे बता रहे थे रात को पूजा के लिए गए थे, बस मैं ही नहीं जा पाई और सब गए थे। तो पीयूष दिखाएगा आपको, शाम को आरती होगी, गणेश जी सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। देखिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिसने नहीं किया हो, और कमेंट और शेयर कीजिएगा। मैं जानती हूँ अभी कोई ब्लॉग मैं देखिए बैठे बैठे शूट करती हूँ, कोई रेसिपी या कुछ भी आपके साथ शेयर नहीं कर पा रही हूँ। आप भी जानते हैं एक जगह बैठे बैठे क्या कर सकते हैं, सुबह जब तक ये मेरी प्लास्टर नहीं खुलेगा, अभी तो मैं यहीं बैठे हुई हूँ। प्लास्टर खुल जाएगा तो जब मैं घर जाऊँगी अपनी तरफ, अभी तो भैया भाई की मम्मी अभी इधर ही तरफ ही बस बैठे हैं, बच्चों के साथ भी लोग शूट कर लेती हूँ। जब घर जाऊँगी कुछ रेसिपी जो आगे का होगा आपके साथ शेयर करूँगी, अभी तो जितना होता है ऐसे बैठे बैठे इतना ही शूट कर लेती हूँ। जो अभी बताया था हमारे घर में छोटा बेबी आया था, हमारे घर में उसकी बेली दिए जाती है, जिसकी नानी के घर बेली में बताया था, अभी लेके जा रहे हैं। देखिए ये बेली है खांड की, मावे की बेली है ये, प्योर मावा देखिए। और ये फल है, ये केले, ये सेब, ये अमरूद, लड्डू कितने, 5 किलो लड्डू हैं। ये हमारे में होता है, ये हमारे में चलता है ऐसे। छोटा बेबी आया जो उनके घर, उसके नानी के घर दिए जाएगी ये भेली, और ये सब जा रहे हैं ये दे के आएंगे भेली। ये मेरे बड़े भाई, ये मेरी मम्मी, ये भी जाएंगे, ये बच्चे जाएंगे। ये अभी बनवा के आई है वहाँ डांस करके, चप्पल लाया है इसकी। और ये छोटे बेबी का पापा बंटी, बंटी जो छोटा बेबी है, ये छोटे बेबी का पापा, मेरा भतीजा बड़ा। आ जाइए दोस्तों चाय लीजिए, 6 बज चुके हैं और चाय लेट हो गई, खाना भी लेट खाया था घर गई थी। चलिए चाय पी लेते हैं। पीयूष मेरे लिए लेने गया केक, आ चुका केक। अपने लिए क्या लाया पीयूष, अपने लिए लाया है बिस्किट, कौन सा है ये, डार्क फैंटेसी
मेरे लिए केक, आप भी पी लीजिए। चलिए पी लेते हैं चाय। दोस्तों हम चाय पी चुके हैं। चुकी है योजना के लिए घर पर, उधर पूजा हो चुकी है और मम्मी ने बनाई आज आलू गोभी, मेरे लिए खाना भेज दिया है। ऊपर वो भी बनिया था, मम्मी ने अपना खाना अलग बनाती है, वो लहसुन प्याज वगैरह नहीं डालती, तो आज मम्मी ने पहले बना लिया था। देखिए मम्मी ने मेरे लिए पहले ही खाना डाल दिया है, दिखाती हूँ आपको। मम्मी ने बनाई है, मैंने बोला था मम्मी से आलू गोभी बनाने के लिए, मेरी मम्मी के हाथ की सब्जी बहुत टेस्टी होती है, भोगों को भतीजों को सबको बहुत पसंद है। आ जाइए आप भी खा लीजिए, ये देखिए सब्जी मम्मी के हाथ की बहुत टेस्टी होती है, कुछ भी सब्जी बनाए। चलिए खा लेते हैं खाना, आप भी आ जाइए। और सब तो आज सिया की नानी के घर गए हैं दावत में, वहीं से खा के आएंगे। आ जाइए आप भी लीजिए। चलिए खा लेते हैं खाना, इस व्लॉग का यहीं एंड करते हैं, मिलेंगे कल नए अगले व्लॉग में। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।